वार्ड नंबर 69 क्षेत्र की आपराधिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं को सुनने एवं समाधान के लिए मानसरोवर ACP अभिषेक शिव हरे साथ ही वार्ड नंबर 69 के पार्षद आशीष शर्मा ने जनता की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। समस्याओं का हल भी होगा, आपकी समस्याओं का निस्तारण भी होगा और आपके द्वारा जो भी यहाँ पर आज जो भी बातें यहाँ पर बताई जाएगी, जो सुझाव आपके द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे उन पर भी कार्यवाही होगी। अपनी बात को ज़्यादा मैं आगे नहीं ले जाते हुए आप सभी से भी मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, अगर आपके द्वारा कोई आपके साथ में भी ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं हुई है और उसकी शिकायत आपके द्वारा थाने में कोई दर्ज कराई गई है, अगर वो अभी भी कोई पेंडिंग चल रही है उन पे कोई कार्यवाही नहीं हो, सामाजिक तत्वों के द्वारा या कोई चैन स्नैचिंग की घटना हो या फिर चोरियों की घटना हो, आप उनसे माननीय ACP जी को और यहाँ पर थाना इंचार्ज जी को आप लोग अवगत कराएं। निश्चित ही मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि माननीय ACP जी उन सभी बातों को लेकर के नीचे तक निर्देश देंगे और उन पर कार्यवाही भी होगी और उन पर सुनवाई भी होगी। अगर आप लोग धीरे धीरे अपनी बात को रखेंगे और अपनी जो सुझाव है वो भी आप इनके सामने रखेंगे तो निश्चित उन पर भी क्रियान्वयन होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मीटिंग रखी गई ये आप सबके जो सामूहिक परेशानियां हैं रैदर देन एनी इंडिविजुअल केस, जो आप लोगों के एज अ होल परेशानियां हैं बीट बी पार्क बीट बी शराब के ठेके, तो वो जानने के लिए यहाँ पे रखी गई है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रहते हैं, हम आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या समस्याएं हैं जिस पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या आपके क्या सुझाव हैं जिससे कि हम जो कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी समस्याएं बताएं और प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सब जो भी बोलना चाहें प्लीज एक साइड से बोलना स्टार्ट करें एंड वी विल गो टू द लास्ट मैन। थैंक यू। चोरी हुई थी, 2 साल हो गई, उसके बाद ही कोई नहीं सुनवाई करी उन्होंने। इको गाड़ी चोरी हुई थी हमारी यहाँ से, ये पार्क के पास में खड़ी थी और कोई सुनवाई नहीं हुई थी और फिर 3 दिन तक पेट्रोल निकाला गाड़ी में से मोटरसाइकिल में से, वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते 45/108 सेक्टर में। आपके कितने गार्ड्स हैं जो रात को? आपके निवेदन और अपेक्षा होगी कि एक तो आप लोग एटलीस्ट 2 गार्ड्स तो आप रखें। अगर आप सोचें कि हर चीज पुलिस कर सकती है तो ये हमारे लिए भी संभव नहीं है। आपके जो गार्ड्स हैं उनको जो भी दिक्कत होगी जो भी सहायता चाहिए वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अपने स्तर पे 2-3 चीजें हमारी भी आपसे अपेक्षाएं हैं, जैसे कैमरा, सारे कैमरे जो लगे हैं उनका सड़क की तरफ फोकस ना होके बिल्कुल ऐसे है कि बस एक दुकान में ही आएगा और वो आसपास तो कहीं घटना करने जाएगा नहीं। दूसरा, आपके इतने सारे आप साथ लोग रहते हैं तो आप लोग का सामूहिक जो सुरक्षा है वो सामूहिक प्रयास से ही संभव है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग मिलकर 1-2 गार्ड्स रख लें जो गश्त करता रहे, उसे कोई भी समस्या है तो हमारी गाड़ियां गश्त करती रहती हैं, हम पूरा उसको जो भी सपोर्ट है प्रोवाइड करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी भी आपसे अपेक्षा है कि आप लोग भी एटलीस्ट 2 गार्ड्स तो रखें रात को जो आप लोगों की गाड़ी या जो भी घर के आसपास बाहर गश्त करता रहे। कर रही हूँ ना आपसे, आप लिखो। लिख लिया मैंने, कह दिया, नोट कर लिया, टेकन द पॉइंट। अब आप 1 मिनट मैडम, आपसे आपके एरिया में कितने कैमरास लगे हुए हैं? हमारे अपने कितने हैं? 2-3 हैं। कैमरे से ही सर पकड़ने आए थे मोटरसाइकिल, लेकिन एक बात मुझे ये बता दीजिए आपकी, कम से कम कभी तो हॉर्न बज जाए जिप्सी का कि किसी में दहशत हो कि हाँ भाई यहाँ पुलिस भी घूम रही है। बिल्कुल, अगर आपके एरिया में नहीं आती गश्त करने तो आप बिल्कुल नहीं। मैं तो आज तक नहीं देती सर, तो उस समय जरूर देखी थी जब है ना BJP का राज था, है ना, कोरोना, उसके बाद देखी नहीं 2020 के बाद नहीं। हमारे घर के आगे से सर निवेदन इतना सा है कि बस गश्त बढ़ा दी जाए, कैमराज हमारे कॉलोनीज में लगे हुए, अगर पुलिस की गश्त बढ़ जाएगी तो आपराधिक तत्वों पर अंकुश लग जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर वही बात कर रहा हूँ, गश्त हम बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को भी गार्ड रखने पड़ेंगे, उसका भी कोई ऑल्टरनेटिव या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल साहब, इंचार्ज साहब, पार्षद महोदय, मैं महावीर लॉ कॉलेज का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर मेरा निवेदन है, अभी मेरे यहाँ परीक्षा सेंटर आया हुआ है और अभी 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ परीक्षा देते करीब 200 बच्चे पर डे, आज लास्ट एग्जाम था। मेरा सामने ही मकान है, पार्क की गली में और पार्क के आसपास मेरे कॉलेज के सामने गाड़ियाँ लग रही थी, मेरे मकान पे कैमरे लगे हुए थे साइड में और सब फ्रंट। एक चोर जो कि पार्क में कम से कम 1 बजे से घूम रहा था, 1 बजे बच्चों की एंट्री होनी थी, उसने देखा कौन बच्चा क्या मोबाइल किस गाड़ी में रख रहा है, लैपटॉप कौन सा रख रहा है, वो
ऐसे खोलता है सर जैसे कोई चाबी लेके आया हो। मेरे कैमरे बाकायदा आपके पुलिस वाले आए, उसकी रिकॉर्डिंग ली है और उसके 2 मिनट में घुसा और उसका आगे से मोबाइल ले लिया, अंदर बैठ के डिक्की खोली, उसका लैपटॉप निकाला। ऐसे करे सारे बच्चे आपके यहाँ भी गए हैं फायर लॉज में, शायद 7-8 दिन हुए। आगे कार्रवाई तो आप लोग देख रहे हैं कैसी उसकी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। वहाँ पे चरस भांग मतलब ले जाने क्या क्या कॉलेज की लड़कियाँ लड़के ऐसे आके पीते हैं, मतलब कि आप वहाँ पास में मंदिर है, वहाँ पे मंदिर में लोग आने से कतराते हैं और शाम को तो ये हालत हो जाती है दारू पीने वालों की कि मतलब आप देख नहीं सकते। कल परसों भी आप कुछ PCR थी, मैंने जाके कहा उनसे कि सर ये देखो दारू पी के लड़ रहे, जब फिर उन्होंने आके समझाया उनको। तो सर ये आपसे जो है इंजेक्शन यहाँ पे लगाते रहते हैं, कई बार पुलिस को सूचना भी दी और सूचना देने पे पुलिस आई भी है, पुलिस ने कार्रवाई भी की है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो इस बात का है कि यहाँ से लोग कितने जागरूक हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा सूचना दे सकते हैं। जितनी बार भी पुलिस को सूचना दिया, एक बार 15 जने जो भी समिति है और लोग भी यहाँ पे बैठने वाले जो लोग थे, 15-20 लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आके गुंडागर्दी करी, मारपीट करने की कोशिश करी आदमियों से, एक भी आदमी ने किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी। सब लोग खड़े खड़े बैठे हुए तमाशा देखते रहे। उसके बाद में जब पुलिस को सूचनी दी तो पूरा थाना आपके यहाँ से आया है, यहाँ पीछे उनको पकड़ा है उनको, और पुलिस ने जो भी कार्रवाई करनी थी उचित कार्रवाई करनी। मेरा सिर्फ इतना सा है कि जहाँ के लोगों का भी जागरूक होना जरूरी है। उद्देश्य यही है कि हम और आप दोनों मिलकर एक बेहतर तरीके की तरफ, एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाएं। उसमें हमारी आपसे कुछ अपेक्षाएं और आपकी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अपेक्षाएं आप पूरी करें और हम बिल्कुल ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी अपेक्षाएं पूरी करें।